बईद है। अल्लाह फरमा रहे हैं वाला हम देख रहे हैं वो उसको करीबा, हमें तो वो करीब नजर आ रही है। इस वास्ते आखिरी रसूल आ गया, आखिरी किताब आ गई, मुझे अब क्यामत यानी यौमा जिस दिन तकूरू हो जाएगा का न यकूरू तकूरू असमा आसमान का जैसे मोहर मोहर में पिघला हुआ तांबा, मतलब तांबा तो पता पिघला है बिल्कुल सुरख होया है, तो ये जैसे आसमान सुरख होकर फट जाएगा। फैजन शक्कत समाओ फकारत वर्दतन कर देहान फबी अला रब कुमार कर बिस्मिल्लाह रहमान ने भी पढ़े और हो भी पढ़ के कई जगह आए हैं। इज समाओ शक्कत वाजनत रब बिहा हुकर इज समाओ फतरत वाइदल कबा के मुंतसरत वाइदल बिहार हुजरत वाइदल कबूस गोसरत, तो ये गा जा रहा है जब फिर है ना जी आसमान जो है ना वो फिर पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। वह तकून जिबाल तकून और हो जाएगा पहाड़ का जैसे कल एहन एहन जरा अपना कह लो रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, मतलब रंगीन ऊन या रूई कह लो तरह उड़ते फिरेंगे। बसवीर जिबाल वकार शराब और शराब की तरह रेत कसीब महिला बुरबरी रेत के बला और ना यस अलूसीन अलफ ना और ना सवाल करेगा हमीम अमीम वैसे कहते ना हमाम तो नहीं है किसी पढ़ के लिए बहुत गर्म पानी भी है और अमीम मेरे बहुत गहरा दोस्त भी है, तो वो कोई नहीं गहरा दोस्त वो सवाल नहीं करेगा हमीम हा, मतलब देखो क्यामत का मंजर होगा किसी न हर एक अपनी अपनी फिक्र नहीं यो मैं या फिर लो मर हो बिना ही नहीं और नहीं बाबी और साहेबा देख बाबानी हर एक अपनी अपनी पही होगी, तो क्या कह रहा है कोई गहरा दोस्त किसी गहरे दोस्त को ना सवाल करेगा मीनिंग देर भाई ना पूछेगा। अल्लाह फरमा रहा है युबस से रू ना वो दिखाए जाएंगे बसरा युबस से रू वो दिखाए जाएंगे कि भाई चलते रहेंगे सारे युबस से रू ना हम वो दिखाए जाएंगे उन्हें यबदुल बदुल आ गया ना भाव दाल दाल ए बद्दा मुबद्दत वदूद चाहना मोहब्बत करना यवद्दू चाहेगा मुजरिम यवद्दुल मुजरिमू लौ काश यफ्तदी फेदाल ये काश वो फिदिया में दे 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 मिन अजाबे यौमाइदिन इदिन इस दिन के अजाब फिदिया में दे दे बे बनी बनी असले बनीन बेटे दी है बनून रफी हालत बनीन इदी नस्वी है जरी हालत है चूंकि फिर नून ए मजाफ है ना ते नून गिर गए है ते बनी रह गए तो वो कह जा रहे हैं कि मुजरम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से फिदिया में दे दे वे बनी है अपने बेटों को व साहेबात ही और अपनी साहेबा को बीबी को व अखी ही अपने अखुन भाई को व फसील आते ए फसील पंद्रह फसील जी है इर्द गिर्द कवर की सी होंगी है फसील मीन खानदान फसील मीन कबीला जो कबायली वैसी निजाम सी तो मतलब जो कबीला है या जरा ना जी ओ खानदान है वो चाहेगा जी वो भी फिदिये में दे दे कौन सा अल्लाह की वो जो तो भी है असल अल्लाह बाओ या आवा जो भी तो भी जो उसे पनाह देता था जो उसे हिफाजत देखो कबीले दे वेच या खानदान दे वेच किसी एक बंदे नूं तकलीफ होए पूरा खानदान आ जांदा उन्हें बचाण वास्ते उसकी हिफाजत करने वास्ते मगर उस दिन चाहेगा कि ये खानदान भी मेरा ले लो मेरी जान छड़ दे। वाह और मन जो फिल अर्ज जमीन में है जमीया जमीन की सारी मखलूकात ले लो सुम्मा फिर युन जी असल चाहे नून जी आए अन जा युन जी निजात देना तो वो सुम्मा फिर सुम्मा है हरफे अतफ वो युन जी वो यानी वो फिदिया निजात दे ही उसको अजाब से अल्लाह ने फरमाया कल्ला हरगिज नहीं ऐसा नहीं इन्ना बेश हाथ मुराद है जहन्नम दी आग जड़ी लदा लदा होंगे आग का शोला सम्मेलन है जहन्नम दा ते ये मतलब आग होगी इन्ना लजा वो आग का शोला होगी पहलू जहन्नम होगी नजा नजा आलमी नजा होंगे ना सांस बड़ा खिंच खिंच के आ रहा होंगे नजा मीन खेचने वाली है उधेड़ने वाली है
उतारने वाली है शवा शवा के खाल फिर खाल पता सूरह निसा च असीं पढ़ के आए हां खाली जब पक जाएंगी तो वो अल्लाह ने फरमाया बदल दी जाएंगे वो खालों को जला देने वाली है उधेड़ देने वाली है उखाड़ देने वाली है तद वो दार एन बाओ पुकारना बुलाना वो फिर पुकारेगी हाँ जहन्नम की आग जो है वो फिर बुलाएगी पुकारेगी वो फिर मायक ने लिखा इंज नहीं बुलाना कि किसी ने बुलाया जाए कि आ तू आ जा तेरी मर्जी है ना वो खेच लाएगी मन जिसने अदबर है दुबर कहते पुष्ट जिसने पीठ फेरी हक से मतवल्ला और बल्ला किया ए बल्ला मुड़ जाना फिर जाना रूह गर्दानी करना मुंह मोड़ लेना मतलब जिसने फिर अल्लाह के अहकाम से अल्लाह के जो तालीमात से अल्लाह के रसूल की जो तालीमात बताई कुरान से जिसने हक से मुंह मोड़ा और रूह गर्दानी की और पीठ फेरी मन अकबरा मतवल्ला और उसने रुख फेरा मजमा और माल जमा किया फा तो औहा औहा असल है ना एक चीज रोक के रखना मतलब माल ना वो जमा करके इकट्ठा करता रहा है उन्हें माल किधरे जो है ना अल्लाह ने देखो पढ़ के आया कि भाई इन्होंने बिच अगे भी शायद ये पढ़ांगे कि माल दे बिच जड़ा जो बंदा कमाई करता है ना उदे च अल्लाह ने ज़कात रखिया लोगों का हक रखिया जो कमाई जाती है ये चीज वो ये बंदा नहीं जेडे नेक अल्लाह के बंदे ने यह नहीं समझते कि सारी कमाई साड़ी है वो कहते ए हक जड़ा साइल आएगा साइल का भी और महरूम का भी जरा मतलब सवाली है भी हक है और महरूम ही जरा महरूम हो गया जरा बेचारा रोजी के काबल ही नहीं रहा खुदा नास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया कोई ऐसा कोई बीमारी आ गई जो बेचारा बिस्तर में हिलजुल ही नहीं सकता क्या उदा अल्लाह ने हक रखा है माल सिर्फ थोड़ा नहीं है माल का मालिक अल्लाह है हर शाय खत्म हो जानी है मालिक पिछे अल्लाह ही रह जाने तो तद अच्छा वह जमा और जमा किया माल हुआ और उसे फिर बंद रखा इन पर सीज का रखा या बंद रखा आगे किया जा रहा है इन इंसान बेशक इंसान खोले का पैदा किया गया है अलुआ अलुआ होता है मतलब कह लो छोड़ देना बेसबरा सदक अल्लाहु अल अज़ीम।